नमस्कार, मैं हूं कौशल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड और रिवोल्यूशन रिलेटेड। तो जो स्टूडेंट अभी तक अपना असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं, उन सभी का जो डेट है असाइनमेंट सबमिशन करने का, उसका जो डेट है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप सभी का जो बेसब्री से इंतज़ार था, जो स्टूडेंट अभी तक अपना असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं, क्योंकि बार बार कमेंट में हमें पूछ रहे थे कि सर असाइनमेंट का डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो फाइनली आप लोगों का जो डेट है असाइनमेंट सबमिशन करने का वो बढ़ा दी गई है। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहमियत होती है कि असाइनमेंट का डेट जो है वो बढ़ चुकी है। तो नो एनी इशू, नो एनी कॉज, डायरेक्टली एक्सटेंड योर सबमिशन असाइनमेंट डेट फॉर 2024। तो आप चेक कर सकते हैं आपका जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के रूप में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आप देख नोटिफिकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट अप टू 31 मई 2024। तो इस लिंक पे आप क्लिक करके अपना जो असाइनमेंट है उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दी गई है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो दिया गया है यहाँ पर 17 मई को ही ये जारी कर दी गई थी, रिलीज कर दी गई है। तो यहाँ पर आप इस क्लिक पे क्लिक करके और आप जो है इस तरह से आपका जो है एक पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जो डेट है सबमिशन एक्सटेंशन ऑफ डेट सबमिशन असाइनमेंट फॉर ODL के लिए भी है, और ऑनलाइन प्रोग्राम जितने हैं इन सभी के लिए जो है जून 2024 के लिए एक्सटेंडिंग कर दी गई है विद द अप्रूवल ऑफ कंप्लीटेड अथॉरिटी। डेट सबमिशन असाइनमेंट बहुत हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, जो भी आप असाइनमेंट अपना जमा करना चाहते हैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी PDF के रूप में आप जमा कर सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2024 बोथ ODIL ऑनलाइन प्रोग्राम, जो कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑथराइज सिग्नेचर है SK मिश्रा का, जो कि डायरेक्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको सभी एक एक कॉपी को इंस्टीट्यूट में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो फाइनली आपका जो डेट है एक्सटेंड कर दी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिवोल्यूशन रिजल्ट के ऊपर। तो जो स्टूडेंट रिवोल्यूशन लगाए हुए थे 2023 में, उनका जो रिजल्ट है वो आ चुका है फाइनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 1 मार्च 2024 को ये अपडेट कर दी गई है। तो फाइनली आप इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आप अपना जो है रिवोल्यूशन को चेक कर सकते हैं, जो कि 18 मई तक की आपको अपडेट कर दी गई है। तो फाइनली आपका जो रिवोल्यूशन रिजल्ट है उसको भी जारी कर दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपका जो असाइनमेंट का जो डेट था उसको भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।